राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? सही जवाब 4 बार। अगला सवाल, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? सही जवाब 18 अप्रैल 2006 में। अगला सवाल, वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? सही जवाब 10 बार। अगला सवाल, सबसे वफादार जानवर किसे माना जाता है? सही जवाब कुत्ता। अगला सवाल, पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? सही जवाब ऑक्सीजन और सिलिकॉन। अगला सवाल, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सही जवाब भूपटल। अगला सवाल, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? सही जवाब फरवरी 2010 में। अगला सवाल, राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? सही जवाब करण सिंह। अगला सवाल, संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही जवाब कैस्पियन। अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही जवाब सिल्का, ओडिशा में। अगला सवाल, सांभर झील कहाँ पर स्थित है? सही जवाब राजस्थान में। अगला सवाल, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? सही जवाब 5। अगला सवाल, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही जवाब एंजिल। अगला सवाल, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? सही जवाब ट्रांस साइबेरियन। अगला सवाल, कंप्यूटर के आविष्कार कौन है? सही जवाब चार्ल्स बेबेज। अगला सवाल, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? सही जवाब 1960 में। अगला सवाल, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब 2 दिसंबर। अगला सवाल, वेग कैसी राशि है? सही जवाब सदिश राशि। अगला सवाल, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? सही जवाब सीसा।
अगला सवाल, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। सही जवाब 7। अगला सवाल, संविधान के प्रारूप पर अंतिम भाषण कब समाप्त हुआ? सही जवाब 26 नवंबर 1949 को। अगला सवाल, कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? सही जवाब पोटेशियम। अगला सवाल, मधुमक्खी की कितनी आंखें होती है? सही जवाब 5 आंखें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।